अग्निखबर में बात करते हैं भिंड की, जहां कोरोना काल में करोड़ों की पोषण आहार में घोटाला हो गया। ये बात प्रेस वार्ता में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। उन्होंने भिंड के महिला बाल विकास में पदस्थ प्रभारी जिला अधिकारी अब्दुल गफ्फार पर सीधा निशाना साधा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब कोरोना काल में कर्फ्यू लगा था, जब कोई घरों से निकल नहीं सकता था, उन दिनों में भिड़ंग में महिला एवं बाल विकास अफसरों ने फर्जी तरीके से कागजों में पोषक आहार व टेक होम राशन का वितरण बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब इस मामले की हकीकत जानने के लिए मैंने स्वयं के स्तर पर जांच की, स्वयं सहायता समूह व आंगनबाड़ी केंद्रों पर चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोई राशन नहीं बांटा गया। जब कोई राशन बांटा ही नहीं तो कैसे बटना दर्शाया गया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल है। उन्होंने बताया कि भिंड के लहार अकेले में 5,70,00,000 का राशन कोरोना काल में बांटे जाना दर्शाया गया है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले में जिले के महिला बाल विकास विभाग के इंचार्ज अब्दुल गफ्फार के खिलाफ जांच की जाए और उचित कार्यवाही की जाए। कोरोना काल में रेड ड्यूटी ईट और टेक होम के माध्यम से जो पोषण आहार और राशन का वितरण हुआ था, पूरे प्रदेश में केवल 4 महीनों में 2,08,00,000,000 से अधिक का घोटाला हुआ है। जब कोरोना काल में कर्फ्यू लगा था, कोई निकल नहीं सकता, उसके बाद भी फर्जी तरीके से कागजों में पोषण आहार और टेक होम राशन वितरण बताया गया है। हमने अपने तथ्यों से जांच की, कई आंगनबाड़ी केंद्रों स्वास्थ्यों से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि हमने वितरण ही नहीं किया, जब बटा ही नहीं है तो इतने करोड़ों रुपये की राशि कैसे खर्च हुई, कौन कौन इसमें हिस्सेदार हैं। भिंड जिले में केवल लहार विधानसभा क्षेत्र में टेक होम राशन करीब 6 करोड़ के आसपास, 5,70,00,000 और टेक होम और अपना रेडी टू ईट दोनों मिला के करीब 12-13 करोड़ रुपए का राशन वितरण हुए। हमने आज करीब 20-25 आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं से बात की, उन्होंने लिखित में भी दिया है और अपने वीडियो भी उनके हैं, इनमें उन्होंने कहा कि हमें राशन मिला ही नहीं है, बांटने का सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर करीब 5,70,00,000 रेडी टू ईट लाहौर विधानसभा में और 7 करोड़ से ज़्यादा टेक होम के माध्यम से वितरण बताया गया है। इसके लिए भिंड जिले के महिला बाल विकास अधिकारी वर्तमान में जो इंचार्ज में हैं गफ्फार खान दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होकर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए।